लेकिन आज मेरे पास ऑडी कार है। दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो एक छोटे मकान से शुरुआत की थी, लेकिन आज एक शानदार बंगला है। दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो हमारी फॉरेन ट्रिप तो ताजमहल ही थी कि एक बार ताजमहल देखा है तो वही हमारे लिए पिकनिक हुआ करता था, वही हमारे लिए फॉरेन टूर हुआ करता था। लेकिन इस बिजनेस की बदौलत एशिया और यूरोप जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियों में घूमने का मौका मिला। ढेर सारी कंट्रियां मैं घूमा और आज जब मैं इस बिजनेस में आया था तब अकेला था, अकेले शुरुआत की थी, लेकिन आज मेरे जैसे लाखों लोग आज मेरे साथ में हैं। दोस्तों, जब मैं इस बिजनेस में आया था तब मेरी इनकम 5 फिगर में हुआ करती थी, 16-17 हज़ार रुपया, लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से मेरी इनकम पर वीक 6 फिगर में आती है। तो मैं ऐसे बिजनेस को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा बिजनेस मेरे को मिला। वो बिजनेस और कोई नहीं, वही बिजनेस, वही सेफ शॉप कंपनी जो आप सबको मिली है, वही कंपनी जो मुझे मिली, वही कंपनी आपके पास है दोस्त, वह कंपनी जो पिछले 20 साल से हर आम इंसान को, मेरे जैसे आप जैसे लोगों के सपने जगा रही है, बल्कि सपने नहीं जगा रही, हम और आप जैसे लाख लोगों के सपने भी पूरे कर रही है। लगातार सक्सेसफुली 20 साल से हर व्यक्ति के जीवन में उजियारा लेकर के आ रही है। दोस्तों, मैं ऐसी कंपनी को सल्यूट करता हूं जो हम और आप जैसे आम लोगों को आगे बढ़ने का और एक रॉयल लाइफ जीने का मौका दे रही है। दोस्तों, ये सेफ शॉप जो है कोई कंपनी नहीं है, मैं इसको बोलना चाहूं तो एक समुद्र है। जिस तरीके से एक समुद्र में से विशाल है, उसकी कोई था नहीं है, तो सेफ शॉप की कोई था नहीं है, लेकिन डिपेंड आप पर करता, तो वहां से आप चम्मच भर के लेकर के आ सकते हैं। अगर आपका पात्र गिलास है तो आप गिलास भर के ला सकते हैं। अगर आप मग का प्रयोग करते तो मग भर के ला सकते हैं, ड्रम भर लेके जाते हैं तो ड्रम भर के ला सकते हैं, और आप चाहें तो समुद्र से एक पाइपलाइन भी लगा सकते हैं, जो मैंने ही नहीं मेरे जैसे हजारों लोगों ने पाइपलाइन लगाई है। पर वीक उस पाइपलाइन से पानी नहीं आता, सेफ शॉप पानी नहीं भेजती है, सेफ शॉप उसमें पैसे भेजती है। तो हम और आप जैसे लोगों को सेफ शॉप एक पाइपलाइन बिछाने का मौका दे रही है कि हम वहाँ से बिछा सकते हैं और एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सेफ शॉप जो है एक पायनियर कंपनी है और दूसरी कंपनियों के लिए रोल मॉडल है, एक ट्रेंड सेटर की तरह काम करती है हमारी कंपनी। पिछले 20 साल से वक्त के हिसाब से हमारी कंपनी चलती है, टाइम टू टाइम। आज हमारे पास कंपनी के पास में हर व्यक्ति की जरूरत के, हर घर की जरूरत के प्रोडक्ट्स हैं। घर में जितनी भी चीजें इस्तेमाल होती हैं आज हमारे कंपनी के पास अवेलेबल है। व्यक्ति के परिवार का प्रत्येक सदस्य, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक के लिए आज हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो हम उन प्रोडक्ट्स का खुद इस्तेमाल करके, अपने परिवार को इस्तेमाल करा करके, मैंने अपना जीवन बदला, हजारों लोगों ने जीवन बदला, आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आई होप आप भी बदल रहे होंगे, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है। दोस्तों, मुझे इतनी बेहतरीन कंपनी मिली, मैं इसको भाग्य बोल सकता हूं कि मेरा लक होगा कि इतनी अच्छी कंपनी, इतनी शानदार कंपनी, इतनी जानदार कंपनी, इतनी महान कंपनी मुझे मिली, ये मेरा लक है। लेकिन दोस्तों, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसा महानतम सिस्टम मिला, ये मेरा लक नहीं, ये मेरा भाग्य नहीं है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना शानदार सक्सेस सपोर्ट सिस्टम मिला। इस सिस्टम का मतलब ये है, इस सिस्टम का मतलब क्या है, जो लोग सफलता चाहते हैं उनको सफल होने में ये सिस्टम मदद करता है। ये सिस्टम मेरे जैसे लाखों लोगों की जीवन बदल चुका है, और मैं आई होप, आशा करता हूं, जितने भी लोग इस सिस्टम का दामन थाम के रखेंगे, लगातार ईमानदारी और निष्ठा के साथ इसके साथ बने रहेंगे,
तो आने वाले वक्त में हजारों नहीं लाखों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग इसी प्लेटफॉर्म से अपना जीवन बदलेंगे, मैं ये वादा करता हूं, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं। क्योंकि दोस्तों इस सिस्टम को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पिछले 18-20 साल से इस सिस्टम ने सक्सेसफुली रन करके प्रूव कर दिया है कि एक महान सिस्टम, एक सफल सिस्टम है ये। इस सिस्टम के रास्ते पर चल करके हम जैसे हजारों लोग सफल हुए हैं, तो इस सिस्टम को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमको और आपको प्रूव करने की जरूरत है। जो लोग भी दामन थाम के चलेंगे उनका जीवन निश्चित ही बदलेगा ही बदलेगा। दोस्तों एक्चुअली सिस्टम होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है? सिस्टम एक्चुअली उसको बोलते हैं जो किसी काम को करने में आपकी मदद करता है, उस काम को आसान बनाता है, उसका नाम होता है सिस्टम। जिस तरीके से आज से सैकड़ों साल पहले जब किसी ट्रक का टायर बदलना होता था तो 50 लोग उस ट्रक को उठाया करते थे तब टायर बदला जाता था, लेकिन एक सिस्टम क्रिएट हुआ, उस सिस्टम का नाम है जैक। आज उस सिस्टम की वजह से एक जैसे एक 18 साल का, एक 15 साल का एक बच्चा भी एक टायर बदल सकता है। पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है अगर देखा जाए तो पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे की तरफ आना। लेकिन सिस्टम क्या करता है, एक टुल्लू पंप, एक मोटर लगा दी जाती है, वही पानी जमीन से 20वें माले ऊपर तक चढ़ जाता है। पावर ऑफ सिस्टम। सिस्टम देखा जाए तो अगर हम हवा में किसी चीज को उछालते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, नियम के कारण वो चीज जमीन पर गिरेगी। लेकिन सिस्टम हवाई जहाज, सैकड़ों टन लोहा और सैकड़ों सवारियों को लेकर के हवा में उड़ जाता है, बिकॉज सिस्टम की वजह से। तो दोस्तों जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वजह से मेरी काबिलियत नहीं है, मेरी सिर्फ एक काबिलियत है कि मैंने सिस्टम का दामन थाम करके रखा, मैंने इसका कभी साथ नहीं छोड़ा, मैं हमेशा इसके साथ बना रहा, हमेशा इसके साथ लगा रहा और इस सिस्टम ने मेरे को यहां तक पहुंचा दिया। दोस्तों इस सिस्टम की जो एजुकेशन है, मैं बोलना चाहूंगा वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। इस एजुकेशन के बल पर, इस सिस्टम की एजुकेशन के बल पर लोगों का जीवन बदला है। आपकी एकेडमिक एजुकेशन क्या है ये कोई मायने नहीं रखती, कि आप अनपढ़ हैं, आप 5वीं फेल हैं, 8वीं फेल हैं, हाई स्कूल हैं, आप इंटर हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये कोई मायने नहीं रखती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सिस्टम की एजुकेशन को आप ग्रहण करते हैं तो आप इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप बहुत बड़ा नाम और अपनी बहुत बड़ी पहचान बना सकते हैं। ये सिस्टम एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराता है 8-step ट्रेनिंग के माध्यम से, जिसको हम एनुअल ट्रेनिंग बोलते हैं। वीकली हमको यह सिखाता है कि इस बिजनेस में कैसे सफल होना है और हमारे जितने भी बेसिक स्टेप्स हैं उनको क्लियर करता है। मेरे को कुछ नहीं आता था, मैं लगातार ट्रेनिंग में जा जाके इसकी बेसिक जो जानकारियां हैं वो मैंने ली, वो आप भी ले सकते हैं। दूसरा, कोर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है हमारा सिस्टम, जिसमें आप अपनी टीम को लेकर के कैसे लीड कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपनी इनकम को और बढ़ा सकते हैं और अपनी रिकग्निशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, कौन के कोर के 10 steps प्रोवाइड कराता है। उसको सीख करके मैंने भी सीखा। इसकी शुरुआत जैन साहब ने की थी आगरा में आकर के, मुझे याद है जैन साहब ने सबसे पहले हमको कोर के 10 steps बताए थे और लगातार वही 10 steps हर लीडर आज फॉलो कर रहा है। आई होप आप भी लोग कर रहे होंगे, मुझे आशा है। दोस्तों हमारा सिस्टम फंक्शन प्रोवाइड कराता है, फंक्शन से भी सिखाता है। दोस्तों मुझे याद है वो दिन था 14 अगस्त 2003 का। फर्स्ट टाइम मैं फ्रेशर लेवल पे था,
जैन साहब से ग्रांड होटल आगरा के अंदर 14 तारीख की रात को मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी। गुरुजी शायद मैं आपको भी याद होगा, मैं सादर प्रणाम करता हूँ आपको। 14 अगस्त की वो रात, 15 अगस्त 2003 को ग्रांड होटल में एक फंक्शन होना था जिसमें हमारे मेंटर मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी को गोल्ड की रिकॉग्निशन मिली थी। मेरे को भी सौभाग्य मिला, 14 तारीख की रात तैयारियां चल रही थी, जैन साहब अथक मेहनत कर रहे थे उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। पहले कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था, LCD करती थी, लैपटॉप नहीं हुआ करते थे, LED नहीं हुआ करती थी। सोच के देखो तो सर, अपनी जितनी भी टेक्निकल जो माइंड था वो लगा लगा करके चीज़ों को तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे सौभाग्य मिला था उनकी हेल्प करने का। और उन्होंने, सर ने भारत का नक्शा बना करके कुछ डिजाइन तैयार किया था अपने हाथों से। मुझे याद है सर, मैं खुद ग्रांड होटल से सुबह 4:45 बजे वापस आया था। सर ने बोला बेटा अब जाओ। तो सर की मेहनत, लगन, समर्पण मैंने वहां से सीखा कि किस तरीके से, और वहां से मैनेजमेंट मैंने सीखा। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, फ्रेशर लेवल पर मुझे ये मौका मिला। दूसरा फंक्शन हुआ मेरे जीवन का, वो बड़ा महत्वपूर्ण फंक्शन था मेरे लिए, वो था 3 जुलाई 2004। 3 जुलाई 2004 को मेरी गोल्ड का प्रमोशन था, मेरे को गोल्ड रिकॉग्नाइज किया जाने वाला था। मेरे साथ एक घटना घटी, 12 जून 2004 को मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया और मैं बेड रेस्ट पे आ गया। और डॉक्टर ने बोला कि आपको 1.5 महीने के लिए बेड रेस्ट करना है, लेकिन क्योंकि उससे पहले मेरी कोई रिकॉग्निशन हुई नहीं थी, क्योंकि फंक्शन लगातार बार बार होते नहीं थे, काफ़ी गैप के बाद होते थे, तो मैं बड़ा उत्साहित था फंक्शन को लेकर के, बड़ा मोटिवेट था कि मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे ट्रॉफी मिलेगी, मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, मुझे बुके मिलेगा, मेरे फोटो खींचे जाएंगे, मेरी वीडियो बनेगी। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि आज से पहले मेरे जीवन में कभी ऐसा हुआ नहीं था। एक एक दिन करके करीब आता चला जा रहा था, लेकिन डॉक्टर ने इधर मना किया हुआ था, बड़ी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अंदर से बहुत एक्साइटेड था। 2 जुलाई की रात थी कि उस प्लास्टर को मैंने खुद ही अपने हाथों से एक चाकू से काट दिया, और 3 जुलाई के फंक्शन में मैं गया। मैं ही नहीं गया, मैं अपने पेरेंट्स को भी लेके गया, जो पेरेंट्स लगातार मेरा विरोध करते थे और बार बार एक ही हवाला दिया करते थे कि सुनहरी तू ही एक परिवार में पढ़ा लिखा है, तू ही हमारे परिवार का नाम रोशन कर सकता है, अगर तूने कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो इस परिवार का क्या होगा। बार बार मुझको रोकते थे, बार बार मेरा विरोध करते थे, लेकिन जब वो उस फंक्शन में गए तो उस फंक्शन में मेरे सभी अप्लायंस को सुना, इस बिजनेस की गहराई को जाना, मेरा मान सम्मान को देखा, और उनका खुद का मान सम्मान जब हुआ तो मेरे फादर ने उसी स्टेज से मेरी पीठ थपथपाई और बोला बेटा जा, आज से मैं तेरे साथ हूं, मुझे तू बहुत बड़ा काम करेगा और नाम रोशन करेगा। हौसला अफजाई को भी सलाम करता हूं कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और उस दिन से लगातार मेरा साथ दिया। फंक्शन की ये ताकत होती है, फैमिली उस दिन से मेरे साथ आ गई, फैमिली मेरे साथ आ गई, मैं काम करता गया, आगे बढ़ता गया। एक और फंक्शन मेरे जीवन में आया, वो फंक्शन था 24 अक्टूबर 2004। फंक्शन की ताकत देखना, 3 जुलाई 2004 को मैं टोपाज हूं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कंप्लीट 3 महीने भी नहीं हो रहे हैं और मेरी रिकॉग्निशन गोल्ड से पर्ल हो जाती है। और वो फंक्शन था ग्वालियर के अंदर, मैं और मेरी पूरी टीम ग्वालियर जाते हैं, और वो फंक्शन था किसी और का नहीं, हमारे सभी के गुरु मिस्टर ओम प्रकाश जी का। वो डायमंड सेलिब्रेशन था, उसको भी ऑर्गेनाइज जैन साहब ने किया था, वहाँ डायमंड सेलिब्रेशन हुआ। और दोस्तों, उस फंक्शन को देख करके मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ क्या जोश था, क्या एक्साइटमेंट था, चारों तरफ वो बड़ी सी फूल माला, वो ताज पोशी हस्बैंड वाइफ की दोनों की हो रही है, ब्लैक पट्टा पहनाया जा रहा है।
ट्रॉफी दी जा रही है, पूरा हॉल तालियां बजा रहा है, गूंज रहा है, एक्साइटेड हो रहा है। दोस्तों वहां से मेरे को एक्चुअली विजन मिला, मुझे विजन मिला वहां से, और मैंने मुट्ठी बांध दी उसी दिन कि जीवन में एक बार कुछ भी हो जाए मैं डायमंड बन के जरूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों उस सिस्टम की ताकत थी, उस फंक्शन की ताकत थी कि उस दिन मैंने मुट्ठी बांधी और मैंने डायमंड बनने का डिसीजन लिया और मैं 2009 में डायमंड भी बना। थैंक यू वेरी मच सर का बात सिस्टम की उस एक्टिविटी का। और सिस्टम क्या एजुकेशन देता है, सिस्टम कराता है LDP लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां से हम अपनी लीडरशिप को विकसित कर सकते हैं। तो लगातार मैं लीडर्स प्रोग्राम में जाता रहा और अपनी लीडरशिप का विकास करता रहा और अपनी टीम को लीड करता रहा। और सिस्टम टूल्स प्रोवाइड कराता है, टूल्स के माध्यम से भी सिखाता है। सिस्टम के ढेर सारे टूल्स हैं, उनको लेकर के हम सीख सकते हैं। शुरुआत से ही सिस्टम ने हमेशा हमको टूल्स प्रोवाइड कराए। और मुझे याद है कि उस समय गिरिवाल साहब हमको पहुंचाते थे, हम उनसे लेते थे और हम अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। प्रगति पथ जो कि आज प्रगति सूत्र बन गई है, दोस्तों अगर रियल में अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो दुनिया की किताबें बाद में पढ़ लेना। अगर एक किताब मैं पर्सनली अगर आपको रिकमेंड करना चाहूं, तो सबसे पहले वो किताब आपको प्रगति सूत्र पढ़नी चाहिए। उसमें सफलता की एक एक बारीकी लिखी गई है। दोस्तों आप देखिए हमारे मेंटरों का सालों का तजुर्बा उसके अंदर डाला गया है, और एक एक चीज जिस तरीके से दूध में से बिल्कुल घी निकाल दिया जाता है, उस तरीके से वो चीजें उसमें समायोजित की गई हैं। मैंने उसको लगातार स्टडी किया, पढ़ा, खुद भी लिया, और लगातार हम सैकड़ों की तादाद में प्रमोट करते गए और हम आगे बढ़ते गए। अगला दिशा वर्कशॉप, दिशा वर्कशॉप से भी हमको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं जो सिस्टम हमको सिखाता है। मुझे याद है 2005 में दिशा वर्कशॉप का आयोजन संजय जैन जी ने नागपुर में किया था, फन एंड फूड विलेज में करके। वो जिंदगी के सर चार दिन बुलाए नहीं भूलते, क्यों? क्योंकि पहली बार इतना एंटरटेनमेंट, सर को पर्सनली जानने का और सीखने का कि सर का कितना सॉफ्ट नेचर है, सर का कितना केयरिंग एटीट्यूड है सर के साथ रह करके। पेरेंट्स से भी बढ़कर के उन्होंने हमारी केयर की, माँ बाप से बढ़कर के हमको प्यार दिया, हर चीज का खाना खाया कि नहीं खाया, आराम किया कि नहीं किया वहाँ, और हमारी हर सुख सुविधा का हमारा ख्याल रखा। और वो दिशा वर्कशॉप जो था, दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, विचारों से मैं कौवा बन के गया था एक्चुअली। और जब उस वर्कशॉप को चार दिन का अटेंड करने के बाद जब मैं वापस निकला, तो विचारी रूपी बगुला बन करके निकला, काला गया था सफ़ेद होकर के निकला। नेगेटिव विचारों के साथ गया था, पॉजिटिव विचारों के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक बड़ी सोच के साथ मैं उस वर्कशॉप के बाद निकला। तो दोस्तों जिंदगी बदलने वाली जो एजुकेशन है ना, वो इस सिस्टम प्रोवाइड कराता है। वो दिन का दिन है और आज का दिन है कि सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी हुई हो और सुनहरी माना मौजूद हुआ हो, आज तक ऐसा कोई दिन नहीं है। और आगे भी भरोसा दिलाता हूं, जब तक सांस रहेगी सिस्टम की जो भी एजुकेशन, जहां से मुझे सीखने का मौका मिलेगा, सिस्टम जो भी एक्टिविटी कंडक्ट करेगा, जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी, मैं कभी भी एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे पता है ताकत मुझ में नहीं है, काबिलियत मुझ में नहीं है, ना पावर मेरे दिमाग में है। पावर है तो एजुकेशन की पावर है, संगत की पावर है। अच्छी संगत सिस्टम से मिलती है, बेहतर एजुकेशन सिस्टम से मिलती है। तो मैं सिस्टम के साथ हमेशा था, हूं और हमेशा रहूंगा। और आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध भी करना चाहूंगा, रियल में अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं, बड़ा मुकाम पाना चाहते हैं, तो सिस्टम का कभी दामन मत छूना, सिस्टम की कभी किसी एक्टिविटी को मिस मत करना। कारण तो हजार आएंगे, कभी पैसे का, कभी हारी बीमारी का, कभी घर वालों का, कभी पत्नी का, हजार कारण आएंगे। हजार कारण हो सकते हैं आपके गरीब रहने के, लेकिन अमीर बनने का अगर सपना आपका है, तो एक कारण बहुत है उस प्रोग्राम को अटेंड करने का। क्योंकि मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं अमीर होना चाहता हूं, तो इसलिए मेरे को उस प्रोग्राम में जाना चाहिए। तो सिस्टम की हर एक्टिविटीज को दोस्तों आप जरूर अटेंड करें।
मैं जरूर यहाँ पर कुछ उदाहरण देना चाहूँगा आपके बीच में, क्योंकि उनकी एकेडमिक एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन सिस्टम की एजुकेशन की वजह से, सिस्टम की संगत की वजह से आज उन लोगों ने वो करके दिखा दिया जो कभी जीवन में उन्होंने ना तो सोचा था और ना ही उस बैकग्राउंड के लोग कभी सोच सकते हैं। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल देना चाहूँगा मिस्टर जयपाल सिंह चौधरी साहब का, जो एक किसान थे, ट्रैक्टर चलाया करते थे, 8वीं फेल, सोच के देखो आप, दूसरी जगह पर कोई 10,000 रुपये की सैलरी नहीं देगा, लेकिन इस सिस्टम की एजुकेशन की वजह से आप देखिए, वो इंसान जो ट्रैक्टर चलाया करता था कभी, आज वो इंसान अपनी खुद की BMW कार चलाता है। है ना कमाल, है ना ताकत सिस्टम में, है ना ताकत सिस्टम में। दूसरा एग्जांपल, मिस्टर जुगल किशोर ओझा जी, हाई स्कूल फेल, बताया जाता है कि सब सब्जेक्टों को मिला के 550 मार्क्स होते हैं, लेकिन टोटल मिलाकर के 157। सोच के देखो उस इंसान को मार्केट में कितना पैसा मिल सकता है, उसकी जिंदगी कैसी हो सकती है, लेकिन वो इंसान इस बिजनेस की एजुकेशन की वजह से, सिस्टम के साथ की वजह से, अच्छी संगत की वजह से आज वो व्यक्ति डायमंड बना, लाखों रुपए पर भी के चेक कमाए, और आज वो व्यक्ति भी हाई स्कूल फेल अपनी BMW कार से चलता है। ऐसे एग्जाम्पल दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे, ये एग्जाम्पल सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप के अंदर ही मिलते हैं। एक और उदाहरण, मिस्टर सहजाद हुसैन, टायर पंचर का काम, टायर पंचर छोड़ने का काम, सोच के देखो उस इंसान की स्थिति परिस्थिति, सोच क्या होगी, माइंडसेट क्या होगा, एजुकेशन क्या होगी, लेकिन सिस्टम की एजुकेशन की ताकत, एक आज टायर पंचर भी जोड़ने वाला व्यक्ति आज अपनी ओडी कार से घूमता है। है ना ताकत सिस्टम में। एक और एग्जांपल, मिस्टर हरिशंकर जी, एक टीवी मैकेनिक, दुनिया टीवी आगे से देखती, मैं बोलता हूं उनको, वो पीछे से देखा करते थे, क्या सोच होगी, क्या स्थिति परिस्थितियां होंगी, लेकिन वो व्यक्ति इस बिजनेस में आके सिस्टम का साथ लेता है, सिस्टम की एजुकेशन का साथ लेता है, अच्छे लोगों की संगत करता है, वो व्यक्ति आज अपनी मर्सिडीज कार में घूमता है। दोस्तों मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं, कैसा ग्रेट सिस्टम, ऐसा महान सिस्टम, हिंदुस्तान का ऐसा इकलौता सिस्टम जो हजारों लाखों लोगों की प्रेरणा बना हुआ है और लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो सिस्टम के साथ रहिए, उसी साथ की वजह से आज मेरे जीवन में परिवर्तन आया। दोस्तों कंपनी का साथ मिला, सिस्टम का साथ मिला, और तीसरा साथ मुझे मिला मेरे गुरुओं का, मेरे मेंटरों का, मेरे अपलाइनों का। उनके बारे में मैं कुछ शब्द बोलूं, मैं उनकी व्याख्या तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ अपने शब्दों में कुछ बोलना जरूर चाहता हूं उनके बारे में। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, यहां जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहां जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। तो दोस्तों वो सभी अपलाइन आज ऐसी जिंदगी जीते हैं, हम जैसे हजारों लाखों लोगों की आज वो प्रेरणा है, वो हम और आप जैसे लोगों की एक मिसाल है, उन्होंने अपने जीवन में सफलता लेकर के एक मिसाल हुई है, उन्हीं की प्रेरणा की वजह से आज हम और सब लोग, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं राजू चतुर्वेदी साहब को नमन करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनका साथ मिला, वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं, बहुत ही खुश मिजाज हैं, बहुत ही हसमुख हैं, बहुत ही फ्रेंडली उनका व्यवहार है, ये सब चीज़ मैंने उनसे सीखी कि वो एक मैच्योर व्यक्ति के साथ मैच्योर हो जाते हैं और एक बच्चे के साथ बच्चे जैसा खेल खेलते हैं। तो ऐसा हसमुख, खुश मिजाज, एक फ्रेंडली नेचर मैंने उनसे सीखा,
मैं उनको नमन करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि उनसे मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखी, उनका साथ मिला, उनका आशीर्वाद आज मेरे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरा नाम लेना चाहूँगा मिस्टर संजय जैन जी का। आज ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। नॉट ओनली सेफ शॉप, नॉट ओनली सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कहीं उदाहरण दिया जाता है तो संजय जैन जी आज अपने आप में एक बड़ा नाम है, एक बड़ी पहचान है, एक बड़ी हस्ती है। और हमारा सभी का सौभाग्य है कि डायरेक्टली वो हमारे अपलाइन है, उनका आशीर्वाद हम सबको ऐसा से मिलता आया है, मिल रहा है और हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं, मैनेजमेंट मैंने उनसे सीखा है उनके साथ रह करके, उनकी लीडरशिप का तो कोई तोड़ नहीं है। हमेशा उन्होंने लीडरशिप के बारे में हम सब लोगों को बहुत सिखाया। वर्कशॉप के माध्यम से जब भी मिलते हैं हमेशा लीडरशिप को डेवलप करने के लिए हमको प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनका एक ही मानना है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन मिल करके यूनाइटेड होकर के और हम टीम में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करके हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। दूसरा, हमेशा से सर ने सिस्टम की पावर को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। हमेशा उन्होंने बोला कोई इंडिविजुअल व्यक्ति महान नहीं है, सिस्टम महान है। तो ये बहुत सारी चीज़ें सर से सीखी, मैं उनको भी नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी और उनका साथ मिला, आशीर्वाद मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, और उनकी बदौलत आज मैं आप सभी लोगों से रूबरू भी हो पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा नाम मिस्टर, मैं ओम प्रकाश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, वो भी हमारे अपलाइन हैं। उनसे मैंने सीखा जोश, उनको हमेशा जोश की मशीन बोला जाता है, जब वो स्टेज पे आते हैं फाड़ के रख देते हैं, तो जोश वहाँ से सीखा, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और आगे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हम सभी के गुरु, मेरे मेंटर, मेरे कोच, मेरे मार्गदर्शक मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी, जिन्होंने कि मेरे को उंगली पकड़ना सिखाया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मेरी केयर की। जब जब मैं घबराया, जब जब मैं नेगेटिव हुआ, तब तब मेरा हौसला नीचे हुआ, डाउन हुआ, तब तक मेरी उन्होंने हिम्मत बढ़ाई, सुनहरी जी आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपके साथ हूं। उनकी दूरदृष्टि मैंने उनसे, हमेशा उनका बड़ा विजन लेकर के काम करने का रहा, उससे मैंने मेहनत सीखी कि डायमंड बनने के बावजूद भी सर ने 26-26 दिन, 28-28 दिन घर से बाहर रह के मेहनत किया, उससे मैंने मेहनत करना सीखा, उनसे मैंने टीम वर्क सीखा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने पक्षपात किया हो किसी के साथ में, हमेशा से हर व्यक्ति को इक्वल समझा और हर इंसान की मदद की। आज तक मैं देखता हूं सर इतनी बड़ी शख्सियत है, इतना बड़ा मुकाम है, आज सैकड़ों हजारों की तादाद में आज डायमंड उनके पास में है, काम नहीं है जो उन्होंने हासिल नहीं किया हो, उसके बावजूद भी एक रूबी एमरल्ड व्यक्ति भी अगर उनसे समय मांगता है ना, इतना बड़ा उनका दिल है, कभी वो मना नहीं करते। सर की दरिया दिली को मैं सलाम करता हूं, उनकी उस महान शख्सियत को मैं सलाम करता हूं, और मुझे प्राउड है कि वो मेरे कोच हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे मार्गदर्शक हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, पहले भी था और हमेशा आपका आशीर्वाद रहेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आश्वासन दिलाता हूँ कि सुनहरी जब तक इस पृथ्वी लोक पर है आपकी मेंटरशिप में ही रहेगा, और जो भी मुकाम, जो भी टास्क आप मुझे दोगे वो हमेशा मैं पूरा करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कंपनी अच्छी मिली, सपोर्ट सिस्टम पावरफुल मिला और इतने दमदार अपलाइन मेंटर और कोच मिले, मैं उनको तो धन्यवाद करता ही करता हूं, लेकिन बहुत ही शानदार मेरे को टीम लीडर्स मिले, जिनकी जिनको पा करके मैं हमेशा गौरवान्वित महसूस करता हूं, कैसे महान दमदार मेहनती कर्मठ कर्मशील लीडरों का साथ मेरे को शुरुआत से मिला, जिनकी बदौलत आज मैं इतनी टीम बना पाया, इतने बड़े मुकाम को हासिल कर पाया।
तो शुरुआती दौर से मैं जरूर यह नाम लेना चाहूंगा मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी का। शुरुआती दौर से जब मैं भी फ्रेशर था और देवेंद्र जी बिल्कुल फ्रेशर लेवल पे आए थे, उस दिन आज तक हम एक जोड़ी बना करके काम करते हैं, मिलकर के काम करते हैं। और यह जोड़ी फ्रेशर से लेकर के लाखों की टीम बनाने तक मेंटेन है। क्यों? क्योंकि इस जोड़ी में कभी ईगो नहीं आया, इस जोड़ी में कभी पक्षपात नहीं आया, इस जोड़ी में कौन बड़ा कौन छोटा नहीं आया। यह जोड़ी उस दिन से मिलकर के काम कर रही है जब हम एक दूसरे की मोटरसाइकिल पर जाया करते थे। मोटरसाइकिल थी तब भी यह जोड़ी थी, छोटी कार थी तब भी यह जोड़ी थी, बड़ी कार में पहुंचे तब भी यह जोड़ी थी, लग्जरी कार में पहुंचे तब भी यह जोड़ी थी, 50 की टीम भी थी तब भी यह जोड़ी थी, आज लाखों की टीम है तब भी यह जोड़ी है। और दोस्तों, यह जोड़ी हमेशा रहेगी और यह कायम रहेगी। और मैं जरूर आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस जोड़ी का लोग हमेशा उदाहरण देते आए हैं और हमेशा उदाहरण देते जाएंगे। और दोस्तों, इस जोड़ी से मेरी टीम के लोगों ने बहुत बड़ी सीख ली और उसका नीचे डुप्लीकेशन भी हुआ। फिर जोड़ी बनी मिस्टर योगेश यादव जी की और टिकेन जी की, आज इस जोड़ी का कोई तोड़ नहीं है। और जोड़ी बनी पवन यादव जी और राम किशन जी की, दोस्तों यंग स्मार्ट जोड़ी, आज लोग इनकी जोड़ी का उदाहरण दिया करते हैं और ऐसे बनने की इच्छा जाहिर किया करते हैं। फिर जोड़ी बनी HVS राठौर साहब की और नागल साहब की, इस जोड़ी ने भी बड़ी धूम मचाई और लोग इस जोड़ी का, और ढेर सारी जोड़ियां हैं मेरे नेटवर्क में जो जोड़ी बना बना करके काम कर रही हैं। दोस्तों, मैं एक ही बात यहां बोलना चाहूंगा, अगर हम बूंद हैं तो हमारी कोई औकात नहीं, और अगर हम मिल जाते हैं तो समुद्र बन सकते हैं। मैं जरूर यह बोलना चाहूंगा, अगर वो झाड़ू बना हुआ है तो कचरा साफ कर देता है, अगर वो झाड़ू खुल जाए तो खुद कचरा बन जाता है। तो हमको कचरा नहीं मिलना है, यूनाइटेड रहना है, जोड़ी बना के काम करना है, और ऐसी जोड़ी बनानी है कि लोग उदाहरण दें, एग्जांपल दें। तो एक जोड़ी बनानी है, क्या बनानी है? एक जोड़ी बनानी है, क्योंकि उस जोड़ी से एक दूसरे की पहचान होगी। तो दोस्तों, एक दूसरे का क्या करना है? साथ देना है। एक बार क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से जरूर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार समुद्र में विशाल तूफान आया और तूफान की वजह से लाखों मछलियां समुद्र के किनारे पर आ गई और रेत में तड़प तड़प करके मरने लगी। तो एक किनारे से पे एक घर था, उस घर में एक छोटा सा बच्चा था। इस पूरे घटना को वो बच्चा अपनी आंखों से देख रहा था और उस पर रहा ना गया। वो बच्चा अपने घर से निकल करके आया और एक एक मछली को समुद्र में वापस डालने लगा। यह घटना देख करके उसकी मां बोलती है, बेटा ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, बेटा तेरा ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। बच्चा ये बात जब सुनता था मां से तो बच्चा और एक्साइटेड होकर के अपनी स्पीड बढ़ा करके और तेजी से फेंकता था और एक बात बोलता था, मां मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसको तो फर्क पड़ता है, इसको तो फर्क पड़ता है। दूसरी उठाता था बोलता, इसको तो फर्क पड़ता है। तीसरी उठाता बोलता था, इसको तो फर्क पड़ता है। मां बड़ी भावुक होकर के उसको गले लगा लेती है। दोस्तों, मैं यहां बोलना चाहूंगा, हो सके तो लोगों को आप हौसला दीजिए और उम्मीद देने की कोशिश कीजिए। न जाने आपकी वजह से किस व्यक्ति की जिंदगी बदल जाए, क्योंकि आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता पर उसको तो फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, एक दूसरे की ताकत बननी है, जोड़ी बना के काम करना है, जोड़ी बना के काम करना है। तो जोड़ी बनाइए और काम करिए और आगे बढ़िए। मेरी कामयाबी का ये राज है। ढेर सारे अचीवर्स हैं आज, बहुत सारे डायमंड्स हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए, बहुत सारे मेरे जीवन में खुशियां आई,
मैं एक आज एक रॉयल लाइफ जी पा रहा हूँ, तो इन लोगों के कंपनी के साथ की वजह से, अपलाइन के साथ की वजह से, सिस्टम की वजह से और अपनी प्यारी सी टीम की वजह से। पहले मुझे कोई जानता नहीं था, आज लाखों लोग जानते हैं। ये मेरे जीवन में परिवर्तन आया इनके साथ की वजह से। मैं छोटे से घर में रहता था, लग्जरी कार में पहुंचा इन लोगों के साथ की वजह से। मैं पैदल था, लग्जरी कार में पहुंचा इनके साथ की वजह से। मेरा जीवन निराशा से भरा हुआ था, मेरे जीवन में उत्साह और खुशी आई इनकी वजह से, इनके साथ की वजह से। तो दोस्तों, खुशियां आई, मैं एक वाक्य जरूर बताना चाहूंगा। मैं अपने जीवन में सिर्फ सबसे पहले कभी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर पाया। उसके पीछे एक ही कारण था, मेरे फादर नौकरी किया करते थे, लिमिटेड इनकम थी, नहीं कर सकते थे। मैं बड़ा निराश होता था, लेकिन इस बिजनेस ने ताकत दी। लास्ट ईयर मेरे फादर 80 ईयर्स के थे। जो पिताजी मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर पाए ना, उन पिताजी का मैंने 80 साल की उम्र पर एक ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट किया। और मैं उनके चेहरे में वो खुशी देख पा रहा था, महसूस कर पा रहा था कि आज वो कितने खुश हैं। आज उनकी आत्मा क्या बोल रही होगी मैं नहीं जानता, लेकिन इस सिस्टम की वजह से ना, इस सिस्टम के संस्कारों की वजह से मैं ये कर पाया। मैं धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, खुशियों की कोई कीमत नहीं होती। मैं आज अपने बच्चों को बेहतर खुशियाँ दे पाता हूँ, अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहा हूँ तो सिस्टम की वजह से, एक रॉयल लाइफ जी पा रहा हूँ तो सिस्टम की वजह से, अचीवमेंट ले पा रहा हूँ तो सिस्टम की वजह से, मेरे बच्चे बेहतर एजुकेशन ले पा रहे हैं तो सिस्टम की वजह से। तो दोस्तों, ये सब कुछ हुआ इन लोगों के साथ की वजह से। और दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो रास्ता है ना, मुझे ही नहीं मिला, ये रास्ता आप सबके पास है। जो कंपनी ने दिया हुआ है, सिस्टम ने हमको दिया हुआ है, इस रास्ते पर चल करके लाखों लोग कामयाब हुए, सफल हुए हैं। आप भी हो सकते हो, आप भी कामयाब हो सकते हो, लेकिन एक कसम खानी होगी, इस रास्ते पर आपको चलना होगा। वो रास्ता, वो पथ क्या है? वो पथ है ये, पी फॉर पेशेंस। धैर्य रखना होगा आपको। अप एंड डाउन आएंगे, लोग मना करेंगे, सफलता एकदम से नहीं मिलेगी, मुझे भी नहीं मिली। बहुत बार चेक आए थे, कभी नहीं आए थे। 6 साल का वक्त लगा था डायमंड बनने में, 10,000 की टीम बनाने में, लेकिन अगले 1.5 साल में 10 लाख, 10,000 की भी टीम बन गई, डबल डायमंड बन गया था मैं। पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, जो मैंने रखा। चेक आए तब भी, नहीं आए तब भी मैं आगे बढ़ता रहा। एक कहानी के माध्यम से मैं जरूर समझाना चाहूंगा। एक बार एक व्यक्ति ने, जो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, उसने बहुत ही खूबसूरत 4 घड़े बनाए। नवंबर दिसंबर का महीना था, बहुत ही बड़े और बहुत ही खूबसूरत 4 घड़े बनाए, जिनको देख करके हर व्यक्ति उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन ऑफ सीजन था, कोई व्यक्ति घड़े खरीदना नहीं चाहता था, वो घड़े पड़े पड़े धूल खा रहे थे। समय निकलता चला जा रहा था, तो वो घड़े आपस में बात करने लगे, निराश होकर बोलने लगे। पहले घड़े ने बोला कि मैं तो एक फूलदान बनना चाहता था, जो कि मैं किसी के घर में, घर की शान बढ़ूं और लोग मेरे को देखें और खुश हों और मेरी तारीफ करें, लेकिन मैं तो घड़ा बन गया, बड़ा निराश था। उसको सुनकर दूसरा घड़ा भी बोला कि मैं तो एक दीपक बनना चाहता था, जो कि एक प्रकाश फैला सकूं, एक रोशनी दे सकूं, लेकिन मैं तो घड़ा बन के रह गया, वो भी बहुत निराश था। तीसरा घड़ा बोलता है कि मैं तो, मेरे को पैसे बहुत पसंद थे, मैं बहुत लाइक करता था, तो मैं तो एक गुल्लक बनना चाहता था, जिसे लोग मेरे अंदर पैसा डालें और मैं उनके साथ खुश रह सकूं, लेकिन क्या करूं, मैं तो घड़ा बन गया। थोड़ा समय बीता, चौथा घड़ा कुछ नहीं बोला, तो तीनों घड़े चौथे की तरफ देखते हैं और चौथा घड़ा मुस्कुरा रहा होता है, और मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि बिल्कुल सही है आप जो बोल रहे हैं, मैं भी एक खिलौना बनना चाहता था कि मेरे को बच्चे लें, मेरे को पसंद करें, मेरे साथ खेलें और इंजॉय करें और खुश हों,
लेकिन मैं गड़ा बन गया। लेकिन दोस्तों मैं ये सोच करके दुखी नहीं हूं, क्योंकि एक अवसर अगर हाथ से चला जाता है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमको धैर्य रखने की जरूरत है। वक्त बदलेगा, वक्त हमारा भी आएगा। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, गर्मियों का समय आया और गढ़ों के लोगों को जरूरत पड़ी, तो बहुत खूबसूरत वो गढ़े थे, बड़े थे, विशाल थे, तो वो गढ़े लोग आए, सबसे पहले उन गढ़ों को खरीदा गया और अपनी से ज्यादा बड़ी कीमत पर उनको खरीदा गया, और बहुत सारे लोगों ने उस गढ़े से अपनी प्यास बुझाई और उसकी प्रशंसा की। तो मैं यहां बोलना चाहूंगा, वक्त आपका भी आएगा, दौर आपका भी आएगा, लेकिन पेशेंस रखना होगा। छोटी सफलता छोटे वक्त में मिल जाती है, लेकिन आपका सपना बड़ी सफलता हासिल करने का है, डायमंड बनने का है, कैपिंग का है, लग्जरी कार का है, तो 3-4 साल का, 5 साल का आपको पेशेंस रखना होगा, जो हर व्यक्ति ने रखा है। तो मुझे विश्वास है कि आप भी रख सकते हैं। दूसरा, ए फॉर एटीट्यूड, आपका नजरिया। बोला जाता है कि आपकी सफलता में आपका जो नजरिया है बहुत ज्यादा निर्भर करता है। आप किसी भी चीज को किस तरीके से देखते हैं, सकारात्मक तरीके से या नकारात्मक तरीके से। इस बिजनेस से पहले मैं भी एटीट्यूड नजरिए को बिल्कुल जानता नहीं था, समझता ही नहीं था कि ये क्या होता है। लेकिन इस बिजनेस में आके मेरे को पता चला कि नजरिया किस चिड़िया का नाम है, और पॉजिटिव नजरिए से, सकारात्मक नजरिए से आप अपने जीवन में कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं, वो मैंने यहां से सीखा। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल है, एक बार क्या हुआ, दो स्टूडेंट थे, अपनी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए घर से बाहर जा रहे थे, बड़े सजे बजे, मेरी तरह सूटेड वूटेड थे और जा रहे थे। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो एक कबूतर ने उनके ऊपर बीट कर दिया, एक फ्रेंड के ऊपर। ऊपर की तरफ वो देखता है और बड़ा निराश होकर के बोलता है, भगवान तूने ये क्या बना दिया, ये कबूतर बना दिए, ये कहीं पर भी उड़ते हैं, किसी के ऊपर करते हैं, मेरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा, मैं कैसे जाऊंगा। बड़ा दुखी, बड़ा निराश था। और दूसरा दोस्त जो है वो उसको देख करके मुस्कुरा रहा होता है। तो पहला दोस्त बोलता है, तू क्यों मुस्कुरा रहा है भाई, क्या हुआ? क्या, मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि अच्छा है कि भगवान ने, ऊपर कबूतर ही उड़ते हैं, भैंसे नहीं उड़ती, अगर भैंस उड़ रही होती और अगर उसको लूज मोशन हो रहा होता तो क्या होता। तो दोस्तों हर हाल में, हर स्थिति में, हर काल में, हर परिस्थिति में हमको क्या रहना है, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। भगवान जिस तरीके से मां बाप आपके साथ कभी गलत नहीं करते ना, तो ईश्वर भी आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। ये जो वक्त चल रहा है ना अभी, लॉकडाउन का, कोरोना का, जो भी आया हुआ है, घबराना नहीं है, अपने एटीट्यूड को नेगेटिव दिशा में नहीं लेके जाना है, पॉजिटिव रखना है। भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। इस वक्त को हमको अच्छे डेवलपमेंट्स की ओर और अपने एटीट्यूड को सकारात्मक रखने की तरफ हमको लगाना है। दोस्तों टी फॉर टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। बोला जाता है कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती, तो कैसे हो सकती है, जब उसके अंदर कुछ भरा जाए। अगर हम भी बड़ी सफलता लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम भी इस दिमाग को सिस्टम की नॉलेज से बरना होगा, लगातार बुक रीडिंग करके, लगातार ऑडियो वीडियो सुन करके, लगातार फंक्शंस में जा करके। आप सीख अपलाइन से भी सकते हैं, मैंने बहुत सारी चीजें अपलाइन से भी सीखी हैं, बहुत सारी चीजें कोलाइन से भी सीखी हैं, बहुत सारी चीजें हम डाउनलाइन से भी सीखते हैं। कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, मैं पूर्ण नहीं था, बहुत सारी चीजें मैंने इन चीजों की संगत में रह करके सीखी हैं और आप भी सीख सकते हैं। चौथा, एच फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोला जाता है। दोस्तों मार्केट में बिना ईमानदारी के या बिना बेईमानी के काम नहीं चलता, बिना झूठ बोल के काम नहीं चलता, लेकिन हमारा सिस्टम बिना ईमानदारी के चलता नहीं है। तो ऑनेस्टी रखनी है अपनी कंपनी के प्रति, ऑनेस्टी रखनी है अपने सिस्टम के प्रति, वफादारी रखनी है अपने सिस्टम के प्रति, वफादारी रखनी है अपनी कंपनी के प्रति, लॉयल रहना है अपनी कंपनी के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने अपलायंस के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपनी टीम के प्रति। दोस्तों आज तक मैंने कभी भी अपने छोटे से फायदे के लिए
किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं दुखी रहूंगा, परेशान रहूंगा, मेरे सामने भी पैसे नहीं रहे, मेरे कोई फंक्शन में जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं हुआ करते थे, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन कभी भी मैंने 3 कार्डिगन रूल्स को नहीं तोड़ा। बोला जाता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैं कभी भी, तो आप हमेशा अपनी ईमानदारी पर रहिए, ईमानदार रह करके ही आप एक बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों ये रास्ता जो मुझे मिला वही आपके पास है, लेकिन ये डगर जो है ना, ये जो रास्ता है ना, इस पर लगातार चलना होगा। और ये चारों बातें जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, इसको मैंने फॉलो किया है और आपको भी फॉलो करना होगा अगर आप बड़ी सफलता, बड़ी सक्सेस, बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, विशाल नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, लाखों करोड़ों की टीम बनाना चाहते हैं, तो आपको ये क्वालिटीज अपने अंदर डालनी होगी जो कि हर सफल इंसान ने डाली है। दोस्तों बड़ी सफलता के लिए 3-4 छोटी छोटी बातें और हैं जो मैंने सीखी हैं इस सिस्टम में रह करके, अपने अप्लायंस से और कुछ किताबें पढ़ करके, तो उसके बारे में जरूर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आपका सपना लाखों करोड़ों की टीम बनाना है, एक कामयाब एक सफल इंसान बनना है, नेशनल लेवल पर अपनी एक पहचान बनानी है और एक बड़ा अचीवर बनना है, तो नंबर एक, आलोचना और अस्वीकृति को झेलना सीखें। कोई भी काम, कोई भी प्रोफेशन, जब भी इंसान आगे बढ़ने की बात होती है तो हर व्यक्ति उसकी क्या करता है, विरोध करता है। हर इंसान का, जब गैस आई इसका विरोध हुआ, नसबंदी आई उसका विरोध हुआ, हवाई जहाज का विरोध हुआ, ट्रेन का विरोध हुआ, हर चीज का विरोध होता है। गांधी जी का विरोध हुआ, पीएम का विरोध होता है, सीएम का विरोध होता है, डीएम का विरोध होता है। आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उसका क्या होगा, विरोध होगा, आलोचनाएं होंगी, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपको मना करेंगे। आप बेहतर प्लान लेकर के जाओगे, आगे बढ़ने की बात करोगे, लोग क्या करेंगे, आपको मना करेंगे। हमको भी लोग बोलते थे तुम ही बन जाओ करोड़पति, तुम ही बन जाओ डायमंड, तुम ही ले आओ कार। तो दोस्तों एक तो रास्ता था मेरे पास कि उनकी आलोचना की मैं हाथ जोड़ करके गिव अप कर दूं, छोड़ दूं और घर बैठ जाऊं। दूसरा था कि उनकी आलोचना को सहन करके अपने अंदर ताकत भरूं और बोलूं मेरे को इन्हीं को तो साबित करना है। और दोस्तों उनको झेला, सामना किया, तो आज हम लोग कर दिया, आज डायमंड भी हैं, जैसे जैसे बोला था वो सब कुछ आज हमारे पास है। नंबर दो, शर्मिंदगी को झेलना सीखें। लोग इंसल्ट करेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, ये कोई काम है, ये मेंबर बनाने कोई काम है, ये फालतू का काम है, ये कोई करने की चीज है, लोग बोलेंगे आपसे, कहेंगे आपको, लेकिन आपको क्या करना है, उनको झेलना है, उनसे सीखना है, परेशान नहीं होना है, झेलना है। जितने ज्यादा झेला है वो आगे बढ़ा है। हमने भी झेली है, लोग हम जाते थे प्लान दिखाने के दरवाजा बंद कर दिया करते थे, लोग पैसे वापस मांग लिया करते थे, मुझे ज्वाइन नहीं करना बोलते थे, टाई पकड़ लिया करते थे कभी कभी तो, लेकिन उनसे हमने सीखा, सिस्टम से सीखा और हम यहां पहुंच पाए। तीसरा है, समस्याओं को झेलना सीखें। जब भी किसी काम को करने के लिए आप आगे बढ़ोगे, समस्याएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़ी समस्या, जितनी छोटी सफलता उतनी छोटी समस्या। अगर आप 1200 किलोमीटर की यात्रा तय करना चाहते हो तो समस्याएं ज्यादा आएंगी, और मुझे लगता है कि 12 किलोमीटर की जर्नी तय करना चाहते हो तो समस्याएं कम आएंगी। तो आप बड़ी यात्रा के लिए निकले हो तो समस्याएं छोटी मोटी आएंगी, उनका सामना करिए और आगे बढ़िए। नंबर 4, अप एंड डाउन्स को झेलना सीखें। अप एंड डाउन्स आएंगे, ये बिजनेस ऐसे चलता है, कभी 5,000 का, कभी 10,000 का, तो कभी 0, कभी 50,000, तो कभी लाख का, ऐसे आता है। तो अप एंड डाउन्स को झेलना सीखिए। तो एक चाइनीज बेम्बू है, चाइनीज बेम्बू की ये खासियत है, ये बताया जाता है कि जब उसको हम बोते हैं, लगाते हैं, तो 5 से 6 साल तक उसको खाद पानी देना पड़ता है, और 5-6 साल में कुछ भी नजर नहीं आता, वो बहुत छोटा सा होता है। लेकिन 5-6 साल के जैसे ही समय पूरा होता है
तो अगले 6 हफ्ते में ही वो 80 फिट का हो जाता है। ऐसा कैसे हुआ? वो पिछले 5-6 साल में जो खाद पानी उसको दिया जा रहा था, वो अपनी जड़ें नीचे मजबूत कर रहा था, वो नीचे की तरफ जा रहा था। और जैसे ही उसकी जड़ें मजबूत हो गई, वो 6 हफ्ते में 80 फिट खड़ा हो गया। क्योंकि दोस्तों, अप एंड डाउन अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है पैसे से मत तोलो उसको। अप एंड डाउन आ रहे हैं तो आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं, और सीखिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी जड़ें मजबूत नहीं है, अगर आपकी नींव कमजोर है, अगर आप अपने अपना महल बना भी लिया ना, तो कब तहस नहस हो जाएगा पता भी नहीं। तो अपनी जड़ें मजबूत करिए और उस पर अपनी इमारत खड़ा करिए। और जब एक बार इमारत खड़ी कर ली, एक बार टीम बना ली, एक बार नेटवर्क बना लिया मजबूती से, तो आप लाइफ टाइम और पीढ़ी दर पीढ़ी तक आपको इसका फायदा मिलेगा। तो नींव मजबूत करिए। तो ये जो वक्त चल रहा है ना, ये नींव मजबूत करने का वक्त है। हम खुद सीखें, अपनी टीम को सिखाएं, तो अप एंड डाउन को झेलें और इस वक्त से कुछ सीख लें। लास्ट में दोस्तों, मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का ये ऑफिशियल पेज है, यही ओरिजिनल पेज है। इसी को आप फॉलो करें, इसी को लाइक, इसी पर कमेंट्स करें, इसी पर आप अपनी टीम के लोगों को रखें। और दूसरे पेज जो लोगों ने इससे प्रेरित होकर के फेक बना रखे हैं, उस पर बिल्कुल भी ना जाएं, उस पर ध्यान ना दें। दूसरा, कल दोस्तों, कल का दिन बहुत खास दिन होने वाला है। 7 Days 7 Leaders में कल लास्ट डे, हमारे लास्ट स्पीकर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, जो लाखों लोगों की प्रेरणा है, लाखों लोगों के रोल मॉडल हैं। जब वो स्टेज पे आते हैं तो लोग झूमने लग जाते हैं, और उनकी एक एक बात दिल छूने वाली बात होती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे भी सीखी हैं। मैं बहुत बड़ा मोटिवेट होता हूँ जब जब वो स्टेज पे होते हैं, तो बड़ा मैं भी कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ, मेरे को भी जोश आता है उनको देख करके। और दोस्तों, ऐसे वक्ता को हमको कल जरूर सुनना चाहिए। तो जो संख्या आज जो है, मैं चाहता हूँ ये संख्या कल चौगुनी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कल बहुत ही ट्रमंडस सेशन होने वाला है, तो बिल्कुल भी नहीं गंवाना। अपने सभी साथियों के साथ जरूर देवी शर्मा जी को सुनने के लिए 10:45 पर आप जरूर आएं। वो मेरे साथी भी हैं, वो मेरी टीम में भी हैं, मेरे हम सफर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं और मेरे लीडर भी हैं। तो मैं चाहता हूं हम सब लोग कल उनको जरूर सुनेंगे अपार संख्या के साथ। और लास्ट में अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए मैं 4 लाइन जरूर बोलना चाहूंगा। ना रुके हैं कदम मेरे, ना रुके हैं कदम कभी, ना हिम्मत हारी है। ना रुके हैं कदम कभी, ना हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं दौर कही, मैंने देखे हैं दौर कही, और आज सफर जारी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं संजय जैन जी का, नरसिंह ग्रिवाल साहब का, जिन्होंने मुझको ये मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सल्यूट सर आप सभी को, थैंक यू वेरी मच।